अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फेसबुक के तमाम दोस्तों को मेरा एक दफा फिर सलाम। तालबा तो मेरा ये होगा कि शबाशिर साहब आप जो है वो पनामा लीक का वॉल्यूम 10 जो है उसे रीओपन कराएं, उसे लोगों के सामने पब्लिक करें, जरा लोगों को पता चले उस वॉल्यूम 10 में क्या था। आपके सामने पेश हुआ हूँ जिसमें आपको पता है आटे और चीनी के बुरान पैदा करने में दो बड़े बड़े मगरमच्छ पाकिस्तान के पकड़े गए हैं, जिनमें सफे अव्वल जो जिनका नाम रहा वो हमारे जहांगीर तरीन साहब थे, और साथ जिनका उन्होंने साथ दे रहे थे जो उनका वो खसरू बख्तियार साहब थे, जिनको इमरान खान ने जो था वो पवेलियन की राह पर दौड़ाया। और साथ साथ मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक कराने में मदद की। तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि हमारे दो मुतालबात हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब वो भी पूरे कार्य कर दें तो क्या ही बात होगी इंशाल्लाह। और क्यों ना हो कि लाहौर के बसने वाली जानो लाहौर के लोगों के दिलों में बसती जान जो है वो शहबाज शरीफ की है, तो आज हमारा मुतालबा है शहबाज शरीफ से। और ये हैरत की बात है कि इस बात ये जो हम मुतालबा करने जा रहे हैं इसमें पीटीआई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ उसमें पीटीआई वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और ना ही अपोजिशन को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। तो लिहाजा पहला मुतालबा तो मेरा ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब आप जो है वो पनामा लीक का वॉल्यूम 10 जो है उसे रीओपन कराएं, उसे लोगों के सामने पब्लिक करें, जरा लोगों को पता चले उस वॉल्यूम 10 में क्या था। और दूसरा सानिया मॉडल टाउन जो हुआ उसकी रिपोर्ट सबसे पहले आप पब्लिक करें कि वो रिपोर्ट क्या थी। तो लिहाजा आपसे ये मेरी दो तरह दरख्वास्त है, जरा ये आप इसको जल्द अज जल्द पूरी करें ताकि हमें पता चले कि जिस तरह आटे और चीनी में मिलावट हुई थी, जरा हम देखते हैं कि पनामा लीक के वॉल्यूम 10 में और ये सानिया मॉडल टाउन की जो रिपोर्ट है ये क्या थी, जरा आप हमारे सामने जरा पेश तो करें। अस्सलाम, दुआ हाफिज़।